नमस्कार मेरे मेष राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। 15 मई को सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो रहा है। वह अपनी उच्च राशि से प्रस्थान कर शत्रु राशि में 15 मई से 15 जून तक संचार करेंगे। और देखते हैं कैसा रहेगा उनका यह राशि परिवर्तन मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए। दोस्तों, मेष राशि के लिए सूर्य देव पंचम भाव के स्वामी होते हैं और वह पंचमेश होकर द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। मेरे मेष राशि वाले दोस्तों, सूर्यदेव एक क्रूर ग्रह है और क्रूर ग्रह का द्वितीय भाव में गोचर कुछ हानि परेशानी करता है। द्वितीय भाव संबंधित होता है धन, कुटुंब, वाणी इत्यादि से, और ऐसे ग्रह गोचर में जातक क्रोध के वशीभूत होकर बिना सोचे समझे अपनी वाणी से सामने वाले को कुछ ऐसे कटु शब्द बोल देता है जो झगड़े का कारण बन जाते हैं। जरूरी नहीं कि वह सामने वाला कोई शत्रु ही हो, अपने ही कुटुंब का कोई सदस्य भी हो सकता है। अपने मित्रों और संबंधियों से झगड़ा मोल ले लेता है। सिर और आंखों में पीड़ा होती है, परंतु इसमें एक अच्छी बात यह है कि सूर्य देव पर भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति देव की पूर्ण दृष्टि है, इसलिए पाप फल में काफ़ी हद तक कमी हो जाती है और सूर्य देव शरारत नहीं करेंगे। इसके फलस्वरूप आप अपनी वाणी पर कंट्रोल करके बात बिगड़ने से पहले ही रोक सकते हो। अगर धन स्थान में सूर्य देव शरारत ना करें तो उनके बराबर कोई दानदाता भी नहीं। जातक के पास धन भी आता है और वह दान भी करता है। मेष राशि के लिए सूर्य देव पंचमेश भी होते हैं, इसलिए पंचमेश का धन भाव में गोचर और उनके ऊपर धन कारक ग्रह बृहस्पति देव की पूर्ण दृष्टि के फलस्वरूप आपके अपनी संतान और बुद्धि बल के द्वारा धन लाभ के योग बनते हैं। शेयर लॉटरी जैसे कामों से अचानक धन लाभ हो सकता है। मेष राशि वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी क्रिएटिविटी में वृद्धि होगी और प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता का सूचक है। जो विद्यार्थी घर से कहीं दूर पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं तो इस ग्रह गोचर में वह कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, इस ग्रह गोचर का अशुभ फल दूर करने के लिए और शुभ फल पाने के लिए रविवार वाले दिन सुबह गुड़ शक्कर मिश्रित जल सूर्य देव को अर्पित करें और बंदरों की सेवा करें। दोस्त, आपको यह वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।